हेलो फ्रेंड, मुन्ना एलसीडी एलईडी में स्वागत है। मैं मुन्ना रजक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक मदरबोर्ड यानी कॉम्बो की मदरबोर्ड में एक अलग से ड्राइवर इंस्टॉल करने के समय हमको बीएल ऑन ढूंढने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये काफ़ी हमारे जो नए जो हैं जो एलईडी एलसीडी के हाल ही फिलहाल काम करना शुरू किए हैं तो उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं वो अक्सर प्रश्न करते हैं कि सर ये कॉम्बो बोर्ड में बीएल ऑन लिखा हुआ नहीं रहता है, सर कहाँ से ले। तो उसका एक इजी ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, यानी एक इजी तरीका। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमने इस पैनल की सप्लाई से यानी इस सॉकेट की पैनल की सप्लाई से 10 के रेजिस्टेंस देकर मैं बीएल ऑन से काम चला लेता हूँ, लेकिन ये गलत है। ये तरीका जो है गलत है, आप फेक वीडियो पे मत जाइए। आपको इजी तरीका है, इजी टिप्स है, इजी आपको तरीका समझाने का, ये आपको अपने लिहाज से समझना होगा कि हम इसको कैसे करें कि ये लॉन्गजिविटी हो और तरीका सही हो। तो हम लोग आज इसमें देखा गया है कि ये जो हमारी है ड्राइवर सेक्शन, इसकी खराब हो चुकी है। अगर आप ड्राइवर सेक्शन बनाना चाहते हो तो इसको ओरिजिनल बनाने के लिए कोशिश करो। नहीं बन रहा है तो हम एक ड्राइवर आज लगाएंगे जिसका ये नंबर है शायद 255S CA 255S। ये ड्राइवर की वर्किंग 99.9% बेटर एंड बेस्ट है। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे का सवाल होता है, बहुत सारे फ़ोन करते हैं, बहुत सारे हमारे ट्रेनिंग में आने के बाद भी पूछते हैं कि सर बीएल ऑन मैं कहाँ से लूँ। मैंने बोला क्यों, तो बोलते हैं लोग कि लिखा हुआ नहीं रहता है। सर अगर लिखा हुआ रहता है तो इसको लगाने में बहुत ईजी हो जाती है, अगर लिखा हुआ नहीं रहता है तो हमको थोड़ा दिक्कत होती है और दूसरा तरीका से करना पड़ता है, यानी पैनल की सप्लाई से 10 के रेजिस्टेंस। तो मैं बोलता हूँ वो गलत तरीका है। ये जो है ड्राइवर इसलिए बेटर एंड बेस्ट है कि इसकी एम्पियर और वोल्ट के साथ साथ एम्पियर बढ़ाने के लिए जम्पर दी हुई रहती है। ठीक इसी तरह के एक और ड्राइवर बोर्ड आती है जिसको 255 बोलते हैं, वो ठीक इसी की तरह होगा, लेकिन यहाँ पर ये जम्पर की ऑप्शन नहीं होगी। पहले आप लोग सही से देख लें। बहुत सारे बोलते हैं कि सर हमने तो वही ड्राइवर लगाया, बाद में मैं पूछता हूँ तो बोलते हैं नहीं जम्पर तो नहीं है सर। इसलिए इसका नंबर है 255S, यानी 99.9%। ये बहुत अच्छा वर्क करती है। जो नए हैं उनके लिए ये ज़्यादा महत्व रखेगा, जो लगा चुके हैं लगाते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। दोस्तों, हमारा ट्रेनिंग जो है कोलकाता में 18 मई से स्टार्ट होगा, 22 मई को समाप्त होगा। ये ट्रेनिंग 15 मेंबर का बैच का होगा और A to Z प्रैक्टिकल होगा। 9874622670। अगर आपको मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, EMMC, JTEC, पैनल की ऑल टोटल, प्रोग्रामर RT809F और H चलाना, ट्रिक टिप्स जितनी जानकारी है, प्रैक्टिकली 5 दिन आपको ये ट्रेनिंग में दिया जाएगा। फुल प्रैक्टिकल A to Z ये ट्रेनिंग हमारी होती है और ये ट्रेनिंग कोई हमारी वर्कशॉप पे नहीं होती है, ये ट्रेनिंग की सेमिनार हमारा चलता है ओनली 15 मेंबर का। और बाकी लोग जहां से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा, मुंबई में आपको कॉल कर लेना होगा, हैदराबाद में कॉल कर लेना होगा, इम्फाल में कॉल कर लेना होगा और ढाका जो ने हमी बोलची ढाकाते आज के ट्रेनिंग होवार कथा छिलो। दुखित होए हमी बोलची कि आज के ट्रेनिंग होवा कथा छिलो 31 मार्च। हमी काल के बॉर्डर तीके रिटर्न चले एससी। अपना देशे बांग्लादेश सरकार कोनो नतून गाइडलाइन बार करेचे, বাইরে থেকে যারা আসবে 14 দিন কোয়ারেন্টাইন থাকতে হবে। তাই কারণে আমি বর্ডার থেকে রিটার্ন চলে এসেছি।
আপনারা চিন্তা করবেন না, আপনাদের ট্রেনিংটা হবে, নিশ্চয়ই হবে, আপনাদের সরকার অনুমতি দিলে এই ট্রেনিংটা হবে, আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না। যদি বিশেষ জানকারি নিতে হয় তাহলে আপনি 01615343557 এ কল করে মিস্টার আনোয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আব হাম লোগ আগে বাড়তে হ্যাঁ, আর ইসকা ইজি লাগানে কা তরিকা, ইস বোর্ড মে হাম লোগ তিন ওয়ার কো কানেকশন করেঙ্গে, সাপ্লাই, বিএল অন আর গ্রাউন্ড, ইয়ে সবকো মালুম হ্যায়, জো নহি মালুম হ্যায় ও জান সকতে হ্যায়। ইয়ে জো হামারা ড্রাইভার হ্যায়, ইয়ে ড্রাইভার মে হামারা জো দিখ রাহা হ্যায় আপকো স্ক্রিন মে কি ইয়ে 12 ভোল্ট সে 24 ভোল্ট তক হি অন্দর ওয়ার্ক করেগি। আপ কৃপা করকে 24 সে জাদা সাপ্লাই নহি দে, কিউকি ये ड्राइवर की हमारी इनपुट जो है वो लगभग 40 वोल्ट है, 40% में बोल रहा था गलत, 40 वोल्ट है। आप यहाँ पर 40 वोल्ट की सप्लाई पे नहीं देंगे, इसको देंगे कहाँ, 12 वोल्ट और ग्राउंड, और एक हमको ज़रूरत है बीएल ऑन, यानी बीएल ऑन फैक्टर है, हमको बीएल ऑन कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर हमने प्लस और माइनस दे चुके हैं और ये एक हमारा बी एल ऑन के लिए इंतज़ार कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे जगह में हमने देखा कि इसमें बी एल ऑन नहीं लिखा हुआ है, तो आपको याद रखना होगा कि कोई भी, तो अक्सर जो है हम लोग देखते हैं कि आईसी पर हमारी वोल्टेज जो है 3.3 वोल्ट प्रेजेंट होती है, तो हमको कोई भी ड्राइवर सेक्शन की स्विच करने के लिए एक ड्राइव आईसी होती है, जैसे इसकी जो है हमारी ड्राइव आईसी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस ड्राइव आईसी को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सेक्शन अगर हमारी ड्राइवर सेक्शन जल चुकी है, ख़राब हो चुकी है, तो इस आईसी को रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। हम इस आईसी को निकालेंगे और निकाल कर स्टेप बाय स्टेप इसकी हर पिन पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, जहाँ पर हमारी 3.3 वोल्ट से लेकर और 5 वोल्ट तक हमको मिलेगा तो हम वहाँ पर रुक जाएंगे, और रुकने के बाद हम टीवी की रिमोट से स्टैंड बाय ऑन ऑफ करेंगे। अगर ये वोल्टेज हमारी ऑन ऑफ के साथ आती और चली जाती है तो वही हमारी बीएल ऑन होगी। हम पहले इस आईसी को रिमूव करें, तो हम लोग जल्दी से रिमूव कर लें, तो कोई भी सावधानी से काम करना होगा दोस्तों, जल्दीबाजी का काम करने से आपकी हो सकती है वो टीवी न बने। और ठीक, हमने इसको रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद अब हम इसको मीटर से वोल्टेज को चेक करेंगे आईसी की प्रत्येक पिन पर स्टेप बाय स्टेप। अब हम टीवी को लाइन देंगे, और लाइन देने के बाद यहाँ पर हमारी स्टैंड बाय जली, और स्टैंड बाय जलने के बाद ये दोबारा जो होगा हमारा ऑफ होगा, ऑफ नहीं हुई, चलो हमने इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद ग्रीन हुआ, यानी हमारी स्टैंड बाय से ये रिलीज हो गई। रिलीज होने के बाद ये हमारा जो ड्राइवर सेक्शन है, यहाँ पर हमारी 12 वोल्ट यहाँ पर दिखाइए आप, यहाँ पर हमारी 12 वोल्ट ग्राउंड, और इस आईसी को प्रत्येक पिन पर हम टेस्ट करेंगे कि हमारा कहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। हो सकता है आपको कैमरा में थोड़ा दिक्कत हो, ये हमारा नया स्टाफ है जो कि रिकॉर्डिंग थोड़ी अच्छा नहीं करता है, उसके लिए आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये हमारी इस नंबर पिन पर, यानी ये हमारी अगर आपकी पिन की एक नंबर होगी या तो 8 नंबर होगी, जिस तरह से पिन अगर लगा होगा, यानी एक एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये 8 नंबर पिन पे हमको 3.3 वोल्ट दिखाई दिया, और हम यहाँ से स्टैंड बाय, इसकी रिमोट नहीं है तो हम पावर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं, यानी ये हमारी मीटर पर देखिए, ये ऑन करने से हमारी ऑन हो रहा है और ऑफ करने से ये हमारी ऑफ हो रहा है, यानी ये हमारा बीएल ऑन है। इस तरह से आपको ये बीएल ऑन को
ढूंढना है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी एल ऑन की कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से आप बी एल ऑन अगर ढूंढोगे तो ये ट्रिक आपको प्रत्येक हर जितनी कॉम्बो बोर्ड है उस पर ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑन देने के बाद अब हम यहां पर एलईडी जो हमारी पैनल के अंदर जो एलईडी स्ट्रिप है उसकी सप्लाई प्लस और माइनस यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, सोल्डर कर देंगे। और सोल्डर करने के बाद तब हम लोग इसको एक बार लाइन देकर देखेंगे। कनेक्शन देने के बाद हम लोग लाइन दिए और लाइन देने के बाद देखिए दोस्तों ये हमारी बैकलाइट जो है ये जल चुकी है, यानी आपको बी एल ऑन जो हमने बी एल ऑन दिया इस आईसी की एक कोई पिन पर आपको 3.3 से लेकर 5 वोल्ट का अंदर वो वोल्टेज प्रेजेंट मिलेगा। उस वोल्टेज को आपको मीटर रखकर इस टीवी को एक बार स्टैंड बाय ऑन ऑफ करने से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी बी एल ऑन है, यानी आपको कोई और दूसरी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ दोस्तों, ये और एक बात है कि बहुत सारे बोलते हैं कि सर आपका 5 दिन का जो ट्रेनिंग होगा वो 5 दिन में कितना होगा, तो 5 दिन में ये ट्रेनिंग हमारी लगभग 40 घंटा तक चलती है। क्योंकि बहुत सारे का ये भी सवाल आता है कि कोई दूसरे जगह से ट्रेनिंग करके आते हैं, बोलते हैं कि उसने हमको वर्कशॉप पे अपना 2-3 टीवी देकर हमारा 10 दिन का समय नुकसान किया और हमको वहाँ से कुछ नहीं मिला। तो दोस्तों इस सब चीज़ से आपको बच के सावधान रहना है, अपना दिमाग खुद लगाना है। ओके दोस्तों, बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए।